राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन, राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जी, मेरा नाम है एमआर पाशा। मैं राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन का संगठन चलाता हूँ, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम आए दिन दिव्यांग, विकलांग, विरत, विधवा, युवा, गरीब लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और करते रहेंगे। अभी पिछले 3 दिसंबर को, जैसा आप लोग जानते हैं, हमने 500 लिया व्हील चेयर, कैलिपर्स और बैसाखी निःशुल्क वितरण की थी, और इसी क्रम में आज हमने काफ़ी रजिस्ट्रेशन किए हैं। 24 जनवरी को हम करीब 2000 कंबल, भारी मात्रा में ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर्स, बैसाखी, कृत्रिम हाथ पैर का निःशुल्क वितरण करेंगे। और हमारी 24 जनवरी को, और हमारी प्रशासन से मांग है कि जिन दिव्यांगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, आवास नहीं बने हैं, इनके आवास बनाए जाए। दिव्यांगों को वरीयता नहीं मिलती, इनका जो आरक्षण कोटा है वो लागू नहीं होता है। हमारे दिव्यांग प्रमुख कारण रोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिलता, दर दर भटक रहे हैं। हमने इस बार प्रशासनों कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रोडवेज चालक परिचालक इन्हें धक्का देकर निकाल देते हैं, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रोडवेज चालक परिचालक अवध व्यवहार, गाली गलौज करते हैं, थाने में जाते हैं, थाने वाले इनके साथ हीन भावना से देखते हैं, कोई कीड़ा मकड़ा हो, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम कई बार मांग कर चुके हैं कि इनका सम्मान किया जाए, दिव्यांगों का कार्यालय में सम्मान हो, इनको भी एक समाज में सामाजिक जिंदगी जीने का अधिकार है, ये भी समाज का अभिन्न अंग है। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करूँगा कि इनको भी समाज में एक अच्छी जिंदगी दिलाई जाए और इनका सम्मान किया जाए।